तो हे गाइज, इट्स मी अंस एंड आई एम बैक विद द अनदर वीडियो। तो गाइज, आज लोग अगर इंडिया के अंदर यूज़ करते हो ओप्पो के डिवाइसेस, तो आज की वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी डिटेल्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कलर ओएस 13 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है एंड इसके बारे में हम लोग एलिजिबल डिवाइसेस की लिस्ट की बात करेंगे एंड बात करेंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस को कब ये अपडेट आने वाला है। तो पूरी की पूरी आप लोगों को ना मैं डिटेल देने वाला हूँ। तो अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आप लोगों ने तक इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे मुझे नहीं फॉलो करा, कर लो यार, सबकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइज, अगर आप लोग भी एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके 15 to 20,000 रुपीस पर मंथ अर्न करना चाहते हो, तो आप लोग नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो एंड मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स व्हाट्सअप पे समझा दूंगा। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पूरे के पूरे टाइमलाइन की। तो आपको पता है ओप्पो ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो कर दिया है कि कलर ओएस 13 कैसा होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे विजुअल चेंजेस होने वाले हैं और क्रॉस डिवाइस कोलैबोरेशन भी होने वाला है इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाला अपडेट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरे डिवाइसेस के अंदर ना यहाँ पे चेंजेस की तो बात करेंगे ही। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे रोड मैप की बात कर लेते हैं, क्योंकि रोड मैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो पूरा का पूरा रोड मैप है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया ओप्पो की तरफ से। तो आप लोगों को ना सबसे पहले फर्स्ट राउंड जो कि 2 मॉडल्स के अंदर देखने को मिलेगा और अगस्त इसी मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा ओप्पो फाइंड एक्स फाइव प्रो एंड फाइंड एक्स फाइव। तो ये दोनों डिवाइसेज हैं जिनको आपको इसी मंथ में अपडेट देखने को मिल जाएगा बीटा अपडेटों का। देन सेकेंड राउंड के अंदर 33 डिवाइसेस हैं, लाइक आपका सेप्टेम्बर में ओप्पो फाइंड एक्स 3 प्रो, ओप्पो रेनो 8 प्रो 5 जिन दोनों डिवाइसेस के अंदर आएगा। अक्टूबर में ओप्पो रेनो 8 5G, ओप्पो रेनो 7 प्रो, रेनो 7 5G, रेनो 7, रेनो 6 5G एंड ओप्पो F21 प्रो, ओप्पो K10 5G, ओप्पो A77, A76। इन दोनों इन सारे डिवाइसेस को अक्टूबर में अपडेट आ जाएगा। नवंबर में रेनो 7Z, रेनो 6 प्रो, रेनो 6 प्रो 5G, दिवाली एडिशन रेनो 6Z, रेनो 5 प्रो, रेनो 5 प्रो 5G, ओप्पो F21 प्रो 5G, ओप्पो F19 प्रो प्लस, ओप्पो K10, ओप्पो A96। तो इन डिवाइसेस को नवंबर मंथ में अपडेट देखने को मिलेगा। दिसंबर मंथ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ओप्पो का फाइंड एक्स 5 लाइट, ओप्पो का फाइंड एक्स 3 नियो, ओप्पो का फाइंड एक्स 2 प्रो, ओप्पो रेनो 8, ओप्पो रेनो 8Z, रेनो 5 और ओप्पो A94 4G और ओप्पो A74 5G। जब आप लोग बोल रहे हो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि नवंबर में भी लिस्ट हैं सेम नाम से और सेम नाम से दिसंबर में भी लिस्ट हैं, तो उनके बारे में बता दूँ। आप देखो, बहुत सारे डिवाइसेस को होता है जो बैचिंग होती है वो एक साथ एक टाइम पे अपडेट नहीं हो पाती है। अब बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जिनको जिनको नवंबर में अपडेट नहीं मिल पाएगा, उनको दिसंबर मिलेगा, इसीलिए उन डिवाइसेस का नाम 2 बार इस लिस्ट में है। देन जो थर्ड राउंड होने वाला है इसमें 25 मॉडल्स आने वाले हैं। अब ओप्पो का मुझको एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि ये लोग दिसंबर मंथ तक, मतलब इस साल के एंड तक ही सारे के सारे जो 80% के करीब ओप्पो के डिवाइसेस हैं उनको अपडेट दे के निपटा देंगे। तो ओप्पो ना यार अपडेट के मामले में अब बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी है, काफ़ी कंसिस्टेंट अपडेट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीज़ मुझे इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट आपको 25 मॉडल्स देखने को मिलते हैं जिनमें 2023 हो जाएगा ओप्पो पैड एयर, ओप्पो रेनो 8 लाइट, ओप्पो का मतलब ये सारे डिवाइसेस तो विदेशी हैं, देन ओप्पो F19 प्रो, ओप्पो F19, F19S, A95, A94, A77, A74, A57, A57S, A55, A54, A54S, A53 5G, A16S। तो ये सारे डिवाइसेस इनको थर्ड मॉडल, मतलब आप लोग मान सकते हो जनवरी फरवरी मार्च Q3 क्वार्टर थर्ड आप लोग बोल सकते हो, क्वार्टर फर्स्ट 2023 में देखने मिलेगा। तो ये अपडेट लिस्ट है और मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोड मैप इन लोगों ने रिलीज़ करा है, क्योंकि इस रोड मैप में मुझको एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इन लोगों ने जो 80% मॉडल्स हैं उनको इसी साल के एंड तक निपटा देना है, तो ये चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगी। बाकी आप लोग चाहो तो वेट ज़रूर से कर सकते हो, बाकी मैं बहुत जल्दी ना एक इंस्टॉलेशन वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से कलर ओएस 13 को अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर पाओगे मैन्युअली। तो अगर आप लोग उस वीडियो को चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल गाइज इन अ वेरी नेक्स्ट वीडियो।